छत्तीसगढ़ से राजनांद गांव के डोंगरगढ़ प्रसिद्ध मां बम्लेश्वरी मंदिर में आज से नवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। धर्म, आस्था और प्रेम की नगरी कहे जाने वाले डोंगरगढ़ में विराजी है मां बम्लेश्वरी। मां बम्लेश्वरी मंदिर का इतिहास करीब 2200 साल पुराना है। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र मां बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में यूं तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन केवल चैत्र और कवार पक्ष के नवरात्र में तकरीबन 10 लाख लोग मां के दर्शन के लिए आते हैं। इस दौरान ऊपर पहाड़ी पर विराजे माता के दर्शन हेतु 1100 सीढ़ियों से पैदल पहुंचकर दर्शन प्राप्त किया जाता है। मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए 75% भक्त पैदल जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों में मां बम्लेश्वरी धाम का अलग ही महत्व है। माता की एक झलक पाने के लिए देश विदेश सहित राज्य के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। यहाँ आस्था पर उम्र का भी कोई असर नहीं होता। बच्चे बूढ़े से लेकर जवान भी पूरे जोर शोर के साथ माँ के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। नवरात्र के दोनों ही पक्ष में माँ बम्लेश्वरी का मेला लगा रहता है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि कामकंडला और माधवानंद की कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कमावती नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वह डोंगरगढ़ को कमावती नगरी के नाम से जाना जाता था। वे निसंतान थे। संतान की कामना को लेकर उन्होंने उपासना की, जिसके फल स्वरूप एक साल के भीतर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। राजा वीरसेन ने अपने बेटे का नाम मदन सेन रखा। राजा के पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर मां बम्लेश्वरी मंदिर बनाया, जो जमीन से तकरीबन 1000 फीट ऊपर है। इसके बाद मदन सेन के पुत्र काम सेन ने गद्दी संभाली। काम सेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला संगीत और नृत्य के लिए विख्यात कामवती नगरी में कामकंडला के नाम की नर्तकी थी। राजा कामसेन पर मां बम्लेश्वरी पर विशेष कृपा रही। उनके राज दरबार में कामकांडला अति सुंदर और मधवनाल जैसे संगीतकार थे। एक बार दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें अपने गले का हार भेंट कर दिया, जिसे मधवनाल के कामकंडला को दे दिया। इससे राजा क्रोधित हुए थे और उन्होंने मधवनल को राज्य से बाहर निकाल दिया। कामकंडला और माधवनंद एक दूसरे से प्यार करते थे और राजा के डर से छुप-छुप कर मिलते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों की प्रेम कहानी की परीक्षा ली और दोनों को खरा पाकर कामकंडला की मुक्ति के लिए राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाए। राजा के इनकार के बाद दोनों में युद्ध हो गया। युद्ध के बाद राजा विक्रमादित्य ने दोनों का मिलन करवाया। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए भगवान शिव और माँ भवानी को सामने आना पड़ा। ऐसी मान्यता लोगों में आज भी है। आज से नवरात्रि की शुरुआत है, तो नवरात्रि के बारे में बताएं कि कितना जोत क्या है, कैसे है? ऊपर मंदिर और नीचे मंदिर दोनों में माता जी की जोत प्रज्वलित होती है। ऊपर मंदिर में लगभग 6000 जोत से ऊपर बैठेगी और नीचे मंदिर में लगभग 851 जोत से ऊपर बैठेगी। ये आज रात को जो जोत प्रज्वलित होगी, आज का दिन पहला दिन है हमारे, शाम को 7 बजे के बाद जोत प्रज्वलन का कार्यक्रम चालू होता है। दर्शनार्थियों की आंकड़ा क्या रहती है 9 दिन में? जनरल में तो 7 से 8 लाख दर्शनार्थी 9 दिन में आते हैं, लेकिन इस बार काफ़ी दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। लगभग 10 लाख दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आएंगे, ऐसा संभावना है। धर्मनगरी डोंगरगढ़ मां बम्लेश्वरी मंदिर जो है पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है और विश्व मानचित्र पे भी इनका मतलब नाम है और ख्याति प्राप्त है। देश विदेश से यहाँ ज्योति प्रज्वलित किया जाता है। और अभी हमारे बीच में पूरे जो इस बारे में जानकारी देंगे नवरात्रि के बारे में ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नारायण अग्रवाल जी हैं, उनसे पूछते हैं कि आगे किस तरह से काम होगा 9 दिन और किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और दर्शनार्थियों को की सेवा के लिए क्या की व्यवस्था किया जाता है। अब बताइए, नवरात्र मेले की व्यवस्था के लिए प्रशासन और मंदिर कमेटी एकदम प्रतिबद्ध है और बहुत कड़क व्यवस्था दर्शनार्थियों की सुविधाओं के लिए की जाती है। बहुत अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाने की चाहते हैं कि दर्शनार्थी किसी प्रकार से परेशान न हो। जो दर्शनार्थी यहाँ आता है दर्शन करने के लिए माता जी के दरबार में, वो हम चाहते हैं कि वो अपने घर एकदम सुरक्षित पहुँचे वापस, उसके साथ किसी प्रकार की लूट खसोट कोई दुर्घटना ऐसी ना हो और वो आदमी अपने घर में सुरक्षित घर पहुँच जाए। नवरात्र मेले में हमारे यहाँ हम लोग सोचे थे कि हमारा रोपवे कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ काम और बाकी हैं अभी, तो ये रोपवे अभी कम से कम 1 महीना और अभी संभव नहीं है चालू होना। लगभग दिवाली के बाद हम लोग नवरात्रि का विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर इसका उद्घाटन करवाएंगे और पब्लिक के लिए हम लोग उसको चालू करेंगे। भोजन प्रसाद की क्या व्यवस्था रहती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था ये है कि ऊपर मंदिर में हमारा भंडारा चलता है और 10 रुपये थाली में हम लोग जो है 12 महीना हम लोग भोजन उपलब्ध कराते हैं, जिसमें 500 से 700
लोग प्रतिदिन वहाँ पर भोजन प्रसाद का 10 रुपये में लाभ लेते हैं और काफ़ी आनंद का अनुभव महसूस करते हैं। किन किन देशों के भी, मतलब भारत के अलावा किन देशों के भी ज्योति रखते हैं? अमेरिका से लोग आते हैं, जापान से ज्योत बैठती है आकर के यहाँ, और लगभग बहुत से देशों से ज्योत बैठती है आकर के भारत के अलावा। लोगों को काफ़ी श्रद्धा है माता जी के प्रति और लोगों की मनोकामनाएँ पूर्ति होती है। आज से नवरात्रि प्रारंभ है। आज शाम को ज्योति प्रज्वलित होगी। आज से दर्शनार्थियों का आना शुरू हो जाएगा। ये 9 दिन जैसे नवरात्रि में, और जिस दर्शनार्थियों को सुविधा के लिए क्या क्या सुविधा है, जिसमें परेशानी ना हो दर्शन करने के लिए? 9 दिन के लिए दर्शनार्थियों को सभी सुविधा दी जाती हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी कड़ाई से सुरक्षा, मेडिकल, दर्शनार्थियों के लिए सुविधा, भंडारे का व्यवस्था, सभी प्रकार की सुविधाएं उत्पन्न कराई जाती है। यहाँ जो वो बज रहा है रामधुनी, ये कितने वर्षों से लगातार बज? ये तो कई वर्षों से होते आ रहा है। मैं भी जब छोटा था तो मैं अपनी माँ के साथ आता था। बजाने का क्या कारण? बजाने का ये कारण है कि हरि संकीर्तन है, ये जो कि सदियों से चली आ रही सबसे है, ये महिलाओं द्वारा होता है और ये ट्रस्ट के द्वारा करवाया जाता है। बताए भैया, आप लोग कहाँ से आए हैं दर्शन करने आज? जय माता दी, हम कलकत्ता से जोत लेते हुए आज डोंगरगढ़ में आए हैं माँ बम्लेश्वरी के दर्शन करने। यहाँ हर साल हम आते हैं, हमारे गांव के लोग आते हैं। माँ बम्लेश्वरी का मंदिर डोंगरगढ़ एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे आने के बाद माता जी के दर्शन हो जाते हैं और माता जी की कृपा से जो मनोकामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाती है। और मेरी माता जी के दरबार में यही प्रार्थना है कि सभी भक्तजनों को उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उनकी मनोकामना पूर्तता होती रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज खरवड़े। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।